हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अभी हो रहे हैं 9:30। मैं नहा के आई हूँ, अभी किचन में आ गई हूँ। तो अभी बनाऊंगी सब्जी आलू की और नाश्ता। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई गर्म होगी तो तेल भी डाल दिया है। और ये आलू उबाल के कट कर रखे हैं। आलू छौंकूंगी अभी। जीरा डाल दिया है, अब जीरा भून जाएगा, फिर आलू डालूंगी। चमचे पे मैंने सारे मसाले डाल लिए हैं, हल्दी नहीं डाली है और बाकी के सारे मसाले डाल दिए हैं। अब डाल देती हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसे डाल देते हैं कढ़ाई में। जीरा भून गया था हमारा और मसाला भी भून गया। साथ साथ इसे आलू डाल दिए। अब कर देते हैं इसे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे आलू मिक्स हो गए अच्छे से। इन्हें अलट पलट के ऐसे ही 5 मिनट तक भून लेंगे। नमक और डाल देती हूँ, नमक नहीं डाल रहा था। यहाँ पे नमक डाल दिया। अब कर देती हूँ इसे अच्छे से मिक्स। हरा धनिया है नहीं तो थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती काट के ऊपर से, लेकिन हरा धनिया है नहीं, ख़त्म हो रखा है। तो बस अब इसे थोड़ी देर तक भून लेते हैं धीमी करके। यहाँ पे धीमी कर रखी है गैस और तब तक थोड़ी देर में आलू भून जाएंगे। और इस गैस पे भी रख ली है मैंने कढ़ाई, तो पूड़ी बनाऊँगी। आटा गूंद रखा है, सुबह गूंदा था। और ये चाय के लिए डाल लिया है। आलू भुन जाएंगे, जब चाय रख दूंगी तब तक मैं पूड़ी बना लेती हूँ। आटे की मैंने पेड़ियाँ काट ली हैं, अब हाथ से गोल गोल कर देती हूँ सारियों को, फिर बेल के रख लूँगी, जल्दी से बन जाएंगी। यहाँ पर मैंने पूड़ी बनानी स्टार्ट कर दी थी, कुछ बन चुकी थी और कुछ और बनानी बाकी थी तो वो बना रही थी। एक साथ 5-6 बेल लेती थी जितनी स्लेब पे यहाँ आ जाते और फिर एक साथ निकाल लेती हूँ गैस फुल करके, तब तक मंदी कर देती हूँ। और उधर चाय में भी खद्दा लग गया और आज मैं सुबह लेट हो गई थी उठने में, संजीव का स्कूल था। फिर जल्दी से आलू तो धो के रखे हुए थे, फटाफट से उबाले और 2 आलू छील के उसके बना दिए थे और बाकी के अब बाद में बनाए। और देखो कैसी फुली फुली पूड़ी बनती है। मुझे करारी पूड़ी ज़्यादा पसंद है, मम्मी और पुनारा मुझे करारी पसंद है। तो बस यहाँ पे पूड़ी बना ली, आज कई दिन बाद बनाई है। और आलू की सूखी सब्जी, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी हो जाता है लंच के चक्कर में। और आज आँख लेट खुली मेरी, अलार्म बजा बंद कर दिया कि उठ रही हूँ और फिर दोबारा से आँख लग गई और 1.25 घंटा निकल गया, 6:45 हो गए। फिर बहुत जल्दी से उठ के आटा लगाया, गैस चला के आलू उबाल ले। और बस इसके बाद फिर मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई। ये है रात की, रात में जंगल में आँच लगी हुई थी तो हम घूम के आए तो गंगा से दिख रही थी। फिर ये मैंने छत से आके छत से निकाली थी तो बहुत ज़ोरों से आँच लगी हुई थी जंगल में, जो इधर छत से दिखता है ना, कई बार मैं वीडियो में दिखाती भी हूँ छत का व्यू, तो उसमें दिखता है पहाड़ पे पेड़ वगैरह हैं जंगल, वहाँ पर काफ़ी तेज़ आँच लगी हुई थी। देखो ये तो हमारे घर से तो काफ़ी दूर है, फिर भी यहाँ इतना दिख रहा है, तो इसका मतलब बहुत तेज़ से आग लगी हुई थी। और सुबह जब मैं ऊपर झाड़ू पोछा करने आई थी, मैंने वो दिखाई थी आपको, आँच से आगे दिखाऊंगी, वो आ रखी थी तो वो सब यहीं से आ रखा था। और सुबह तक भी धुआं था, मतलब सुबह आग तो बंद हो गई थी लेकिन धुआं सुबह भी निकल रहा था। तो पूरी रात मतलब बहुत तेज़ से लगी होगी, क्योंकि गर्मी में एक बार लग जाती तो बुझाने। बस कोई जानवर ना फंसा हो जंगल में, जानवर होगा अगर तो बहुत दिक्कत हो जाती है, जल गया होगा बेचारा। अभी मैं ऊपर आई हूँ और देखना रोज़ आंधी चलती है, मतलब तेज़ हवा, कहीं आग लगी होगी तो उसका ये आ रखा दिख रहा होगा पूरी छत पे, यही हो रखा है। झाड़ू पोछा तो रोज़ करके आ जाती हूँ लेकिन आता कोई नहीं, तो बंद रहता है। सुबह एक बारी कर जाते हैं तो ये लॉक खोल दिया मैंने और अब आ गए हैं अंदर। तो अंदर का तो सारा साफ ही रहता है,
बस ऐसे ही झाड़ू मार दूंगी एक बारी बेड पे कपड़ा, और फिर बहुत छत गंदी हो जाती है, लेकिन मैं करके रोज जाती हूँ क्योंकि फिर बगैर करे अच्छा सा नहीं लगता कि ऊपर का नहीं करके आई। मम्मी बोलती भी है कि दिन छोड़ के एक दिन कर आया कर, मैंने कहा ना मैं रोज ही करी आऊँगी, और रोज भूल जाती हूँ। शाम को घूमने जाती हूँ ना तो जूते होंगे तो मेरे ऊपर होंगे, एक मिनट देखती हूँ अगर इसमें होंगे तो पता नहीं कहाँ रख दिया, और जूते नहीं मिलते, और फिर दिन में फिर मैं दोबारा ऊपर आती नहीं, इस टाइम लॉक लगा जाती हूँ झाड़ू पोछा करके, और फिर शाम को या तो जूती पहनती हूँ या चप्पल जब घूमने जाती हूँ, और जूते से ना पैर कट गया, छाला सा भी हो गया पैर में, और मेरे जूते तो इसमें कहीं दिख भी नहीं रहे, सब सब के दिख रहे हैं, मेरे नहीं दिख रहा। मिल गए, पैक हो रखे थे मेरे पन्नी में, पैक हो रखे थे मेरे ही है ना, छोटे छोटे तो मेरे ही होंगे। हाँ मिल गए, तो जूते पहन के जाया करूँगी क्योंकि जूते में ना पैर नहीं कटता, और सारा पैर अब तो ठीक हो गया, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, कहाँ गया, कौन सी उंगली पे हुआ था दिख भी नहीं रहा, छाला हो गया था। फिर मैं दो दिन से तो चप्पल पहन के जाने लगी। कर लेती हूँ ऊपर का थोड़ा सा काम, और आटा भी ख़त्म हो गया है आज मेरा, मतलब जिसमें भरती हूँ ड्रम में वो खाली कर दिया है मैंने, साफ कर दिया कपड़े से, सूखे कपड़े से, नहीं तो ये होता थोड़ा सा आटा बचा रहता फिर ऊपर से उसमें जो ताजी पीस के आता वो डाल देती हूँ तो वो नीचे ही बच जाता है, तो मैंने उसे कल शाम को खाली कर दिया था, जो थोड़ा सा था उसे निकाल लिया था गूंदने के लिए, तो ये मैंने धो के तो रख रखे ही हैं दो कट्टे में, ये एक उठा के नीचे ले जाऊँगी, और जब हमारे पति देव उठेंगे तो उनसे कहूँगी कि डाली आएंगे। मैं मार लेती हूँ झाड़ू, और बने रहे हैं हमारे साथ वीडियो में। झाड़ू वगैरह तो नहीं दिखाऊंगी, मैं ट्राईपोर्ट भी नहीं लेके आई और कोई फ़ोन पकड़ने वाला भी नहीं है, तो बस मैं फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू, फिर उसके बाद मिलेंगे, बने रहे हैं हमारे साथ। और प्लीज़ चैनल पे आते हो तो वीडियो पे लाइक भी किया करो, और जो न्यू आते हो सब्सक्राइब करे करो, और वीडियो को सॉरी और जो वीडियो पे आते हो तो कम से कम वॉच भी किया करो, खाली कमेंट करके चले जाते तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना, इससे अच्छा तो ना हो तो भी, और अब तो व्यू भी बिल्कुल नहीं आते, पता नहीं व्यू काउंट भी होता है कि नहीं, कमेंट ज़्यादा आ जाते हैं व्यू कम दिखाता है, पता ही नहीं चलता। तो चलो ठीक है, कर लेते हैं अपना काम, और अभी बजे हैं 8:15 हो गए, फटाफट से कर लेते हैं काम।